अरे भैया ये साड़ी कितने की है? अरे मैडम ये वाली साड़ी 500 रुपए की है। ठीक है भैया, ये वाली साड़ी मैंने ले ली है, आप पैसे ऑनलाइन ले लोगे? अरे मैडम आप ऑनलाइन करोगी? चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे नंबर पे आप ऑनलाइन कर दो। ठीक है भैया, नंबर बोलो। 95-57-20-91। अरे यार इसको क्या ही पेटीएम करूँ, ये तो सकल से ही अनपढ़ लगता है। एक काम करती हूँ, इसको इतने ही पैसों का किसी और का स्क्रीनशॉट लेकर भेज देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। ये देखो भैया कर दिए मैंने, ये देखो स्क्रीनशॉट। अरे मैडम मैं क्या ही जानूँ स्क्रीनशॉट के बारे में, मैं तो अनपढ़ हूँ मैडम। और हाँ आपने पैसे डाले होंगे तो पैसे आ गए होंगे, पैसे भी मेरा फोन आज घर रह गया है। हाँ भैया बिल्कुल, आप टेंशन मत लो आ गए होंगे। ठीक है भैया मैं निकलती हूँ। अरे भैया यहाँ पे एक भैया बैठते हैं, वो कहाँ है? अरे मैडम वो भैया तो कहीं गए हुए हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, बताओ आपको क्या काम है? अरे वो कल मैं उनसे 2000 रुपए की साड़ी लेकर गई थी, आज मुझे उनसे कुछ पैसे चाहिए। पैसे लेने? बताओ कितने पैसे लेने? वो ये भी मुझे सकल से अनपढ़ लगता है, दोनों भाई एक जैसे। एक काम करती हूँ इसे अभी ठगती हूँ। अच्छा भैया वो मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत थी, मैं आपको पेटीएम कर दूँ, आप मुझे कैश दे दोगे? मैडम जी कैश? अरे मैडम बोनी सुभाष जो हुई नहीं है, और मैं कैश कहाँ से लाऊं? अगर मैं कैश कर भी दूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? बोनी नहीं हुई। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आपको 2200 रुपए पेटीएम कर देती हूँ, आप मुझे 2000 रुपए दे देना, आपका 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। अच्छा मैडम 200 का फायदा, चलो कर दो मैडम आप। नंबर बोलो भैया। 980273। ये देखो भैया कर दिए मैंने। कर दिए मैडम? चलो ठीक है, एक बार मैं अपने फोन में चेक कर लेता हूँ पैसे आए कि नहीं आए। अरे चेक करने की क्या जरूरत है, पैसे आ ही गए होंगे। अरे नहीं मैडम एक बार चेक कर लेता हूँ, और वैसे भी आजकल ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं इसे पढ़ना आता हूँ, कहीं यार फंसना जाऊँ मैं। मैडम जी इसमें तो पैसे आए ही नहीं है, और ये क्या भेजा है आपने व्हाट्सएप पर? सूरज? मैडम जी आपने सूरज के नाम पे पैसे सेंड कर दिए, और ये स्क्रीनशॉट भी पुराना है। अरे नहीं नहीं भैया पैसे आ गए होंगे। चुप करो, मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? मुझे पढ़ना भी आता है और देखना भी आता है कि तुम लोगों के साथ कितना फ्रॉड कर रही हो। मैडम तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, चलो फ्लैशबैक में बताता हूँ। क्या बात है भैया, आजकल तो नई नई डिजाइन की साड़ियाँ ला रहे हो भैया। अरे भैया भैया। हाँ भैया। क्या बात होगी भैया, इतने परेशान से क्यों बैठे हो? अरे भैया क्या करूं मैं, परेशान तो बहुत हूँ पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, कुछ परेशानी हो तो मुझे बताओ तुम, मैं 5 साल से जानता हूँ तुम्हें, मैंने आज तक तुम्हें कभी परेशानी नहीं देखा, हंसते खेलते रहते हो, लेकिन आज बताओ क्या बात है? अरे भैया क्या बताऊँ मैं तुम्हें, परसों एक मैडम आई थी, उन्होंने एक साड़ी खरीदी 500 रुपये की, ऑनलाइन पेमेंट करके गई, और कल फिर वही मैडम आई 2000 रुपये की साड़ी खरीदी, फिर उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया, मैंने घर जाके देखा अपने खाते में एक रुपया भी नहीं आया, और आज मैं सारा माल मार्केट से उधार लेके आया हूँ, अब कहाँ से दूँ मैं इनका पेमेंट, मेरी तो कुछ समझ में नहीं। अच्छा तो ये बात है भैया, तुम इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो, एक काम करो तुम अपना फ़ोन लेकर आयो घर से। हाँ भैया लाया हूँ, ये लो। लाओ मुझे दो, मैं चेक कर लेता हूँ तुम्हारे पेटीएम में पैसे आए कि नहीं आए। भैया आपके पेटीएम में तो 3-4 दिन से कोई पैसा नहीं आया है। भैया एक काम करना, उस लड़की ने ना मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट और भेजा था, उसे और देख लो। लाओ भैया अभी चेक कर लेता हूँ। अरुण? भैया आपके घर में कोई अरुण है? अरुण? अरुण तो कोई नहीं है भैया मेरे घर में। अरुण नाम का तुम्हारे घर में कोई नहीं है? लेकिन भैया इसमें तो अरुण को पेमेंट करी गई है, और आप बोल रहे हो कि वो लड़की कल पेमेंट करके गई है, इसमें तो डेट 10 दिन पहले की दिखा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है भैया वो लड़की आपको बेवकूफ़ बना गई, किसी दूसरे का स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर गई, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है भैया। क्या भैया मैं तो फंस गया, अब क्या करूँ मैं? अरे कोई बात नहीं भैया, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं एक काम करता हूँ, आज मैं तुम्हारी दुकान पर बैठता हूँ, वो लड़की कल भी आई थी, शायद वो आज जरूर आएगी,
आप एक काम करो, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, आप वहाँ पर जाके बैठो, आज मैं आपकी दुकान को संभालता हूँ। ठीक है भैया। तुम गरीबों के साथ इतना गलत कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बेचारे भैया यहाँ पर अपनी 5 साल से दुकान लगा रहे हैं, दिन में 1,500 रुपए कमा लेते हैं, और तुम उनके साथ धोखाधड़ी कर रही हो। उनके छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, वो यहाँ पर पूरा दिन धूप में मेहनत करते रहते हैं, और तुमने उनके पैसे मार लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शायद अभी तुम्हें पता नहीं है गरीबों के पैसे मारने वालों के साथ हमेशा गलत होता है। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत गलत किया उनके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। अब तुम्हें गलत लग रहा है, जब तुम्हें गलत नहीं लगा उन भाई साहब के पैसे मार रही थी। खैर छोड़ो, गलती करी है, सजा तो जरूर मिलेगी। वैसे मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो आती होगी। जितने तुमने भाई साहब के पैसे मारे ना, वो भी निकलेंगे, और आगे जाके किसी गरीब के साथ धोखा करने की सजा कितनी बड़ी होती है वो भी तुम्हें पता पड़ जाएगी। नहीं भैया, भैया